अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम एक प्रोजेक्ट की साइट पे मौजूद हैं। उसका जो जगह है उसका नाम जो है सामने लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तो इसके बारे में हम इनसे पूछेंगे। आप इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है और इसके बारे में कुछ बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये ADA का हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। फ्लैट्स का है असल में, ये पीपल स्काई व्यू अपार्टमेंट के नाम से फ्लैट्स हैं, जिन पे काफी कमेंट भी आ रहे थे लोगों के कि इनकी साइट दिखाएं, इनका ऑफिस दिखाएं। तो ये इनका सामने ऑफिस तैयार हो रहा है और ये इसका कमिंग सून का काफी अर्से से बोर्ड लगा हुआ है। और ये कुछ एक साल से समझे कि KDA की तरफ से बोला जा रहा था कि लॉन्च होगा, तो ये था कि अभी इसकी जो लोकेशन है वो 4K चौरंगी से सीधा आप आते रहें, तो जहाँ अलगापुर ग्रैंड सिटी बन रहा है उसी रोड के ऊपर ये आपको पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में भी बता दें। अच्छा, इसका ऊपर वीडियो का काफी लोगों ने मुझे बोला था और आपके चैनल पे काफी लोगों के कमेंट्स आते थे कि आप लोग इनके ऊपर वीडियो बनाए। मेरा पहली बात तो गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर मैं ज्यादा, आपको पता है, बहस करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो किसी भी किस्म के मतलब डेवलपमेंट के हवाले से या कुछ ना ज्यादा मुझे खासा पसंद नहीं आते। बहरहाल KDA ने एक दो और भी फ्लैट्स के प्रोजेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, लॉन्च मतलब उनकी डिलीवरी की हुई है। तो KDA के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये पीपल स्काई व्यू अपार्टमेंट के नाम से यहाँ फ्लैट लॉन्च हुए हैं। जी अपार्टमेंट है यहाँ, 1700 अपार्टमेंट शायद अपार्टमेंट होंगे, 6 टावर होंगे। ठीक है, दौरे जदीद की तमाम सहूलियात जो किसी लग्जरी अपार्टमेंट में दी जाती हैं, लिफ्ट, स्टैंड बाय जनरेटर, जिम, ये वो सब इधर होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद ये है कि यहाँ तक के ये एक लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल भी लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं लगा, क्योंकि एक मतलब आप समझो एक चैनल है 92 न्यूज के नाम से, उस पर एक रिपोर्ट शाया हुई है कि 83 लाख रुपए का, 83 लाख का इधर 3 बेड का जो है अपार्टमेंट है जी, और 1 करोड़ 30 लाख रुपए का 4 कमरों का अपार्टमेंट है इधर। अच्छा। तो अगर ये कोई बोले ये लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है या लो कॉस्ट मतलब लोगों को रिलीफ देने के लिए बनाया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बहरहाल जिस तरह इसके फॉर्मों की एक न्यूज यहाँ पर चल गई थी, हर चैनल वाला बना रहा था वीडियो के 21 से इसके फॉर्म आ रहे हैं जो कि सन बैंक की ब्रांचेस से मिलेंगे, ये भी किसी किस्म की कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं थी किसी के मतलब जिस तरह आप इसके इश्तेहारात आप लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, इसी तरह वो लोग भी पढ़ के, लेकिन एक चैनल वाला एक न्यूज बना देता है कि इसको फॉर्म आ जाएंगे, ये हो जाएगा, और सब उसी की कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह वायरल ना करें, आपकी रिपोर्टिंग बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए और बिल्कुल आपको उसकी जब हकीकत पता हो, उसके बारे में पता हो, फिर आप कोई रिपोर्ट पेश करो। इस तरह बिल्कुल गलत है रिपोर्टिंग का स्टाइल के आप एक के पीछे एक लाइन लगा दो। ये जो फ्लैट्स बन रहे हैं, ये साइट कौन सी है, लोकेशन आप दोबारा से बताइए। ये सरजानी का सेक्टर 7A कहलाएगा मेरे ख्याल से। जी इनका ऑफिस है अभी जो के वो इसी की बैक साइड पे बनेंगे। अच्छा। और यही जगह है, मेन रोड के अपार्टमेंट्स होंगे ये, और ये है कि इधर कोई अभी ऐसी रिपोर्ट KDA की तरफ से नहीं मिली है इसकी फॉर्मों की तारीख के और कीमत के हवाले से। हो सकता है कि जो हम बोल रहे हैं इस वक्त, ये हम सिर्फ एक न्यूज चैनल के रिपोर्ट के ऊपर बोल रहे हैं कि उन्होंने इसके प्राइजेस बताए कि ये प्राइस हैं, मतलब हमें इसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई जी प्रॉपर इसके बारे में। बिल्कुल ऐसा ही है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इधर के रेट नहीं बताए गए, लेकिन ये है कि यहाँ के जो नॉर्मल बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करके बैठे हुए हैं या जो वो रेट पे फ्लैट चीजें दे रहे हैं, उसके मुकाबले में ये मुझे एक्सपेंसिव ही लगा। अच्छा। कोई ये मुझे लो कॉस्ट नहीं लगा। हालांकि गवर्नमेंट की है तो जी गवर्नमेंट की है और बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से ये लॉन्च की गई है। तो हो सकता है ये फेक न्यूज हो। फेक तो मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि ये जिस तरह के अपार्टमेंट्स बोल रहे हैं, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बता रहे हैं, तो ये एक लग्जरी अपार्टमेंट्स है। मैं बहुत ज्यादा शौक था जब मैंने ऐसे ही चलते फिरते लोगों के चैनल्स पे देखा जो वो बोल रहे थे कि भाई ये इतने के होंगे उतने के होंगे,
तो उनकी बताई हुई कीमतों के मुकाबले में ये सहूलियत ये फैसिलिटीज नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये जिस तरह का प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, गवर्नमेंट तो वैसे नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर चीज बनाती है ना, तो ये भी सुनने में आया था कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर होगा, और केडीए के जिस तरह हालात अल्लाह के करम से बेहतर हुए हैं इदारे के, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की स्कीमें लॉन्च कर रही है, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। लॉन्च कर भी रही है तो अगर प्राइस इतने वो रख देंगे तो कौन इसको अफोर्ड कर सकता है? गरीब इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता। आप इसके बारे में? नहीं, इस तरह तो नहीं हो सकता, गरीब इसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब कौन इसको परचेज करेगा? हाँ, तो ये है कि इसको बिल्कुल भी गरीबों के लिए तो नहीं है। हाँ, प्राइस इसकी लो करें थोड़ा सा, अगर हर इंसान इसको अफोर्ड कर सके, खरीद सके, तो इस चीज के बारे में। जी बिल्कुल, इस तरह की लॉन्च करनी चाहिए। ये नहीं है कि जमीनें दें गरीबों को तो वो जंगलों में दे दें और तोड़ें तो बिल्कुल बस्ती बस्ती बस्तियां तोड़ दें उनकी, तो बात ये है कि गरीबों के लिए भी कुछ ऐसी जगह पर अच्छी सिटी के अंदर, हाँ, बराए करम इसको ना थोड़ा ये है कि इस तरीके की स्कीमें निकालें जो गरीबों को भी किसी तरह फैसिलिटेट करें, और ये है कि गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, सस्ती रिहायशी स्कीमें निकालनी चाहिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।